Assalamu alaikum dear students, today we are going to start a new course, Nuclear Physics 1. In the previous lectures, we discussed about Nuclear Physics 2. Now, the lecture of series of Nuclear Physics 1 we discuss here. The first lecture of Nuclear Physics 1, in this lecture, we introduce what is nuclear physics and the basic terms, nuclear mass, types of nuclei and nuclear size. First of all, we discuss about the course which we study in this course. Course contents which we study in this course, Nuclear Physics 1. Simply, the meanings of nuclear physics is the study of the atomic nucleus. However, it is quite distinct from the branch of physics, atomic and molecular physics. In the atomic and molecular physics, we study the behavior of the atoms and atomic structure and interaction of atoms with each other. But at the deeper level studies in nuclear physics of atoms and the central portion of the atoms, which is called nucleus, and inside the nucleus, protons and neutrons, we study here in the nuclear physics. 100 years ago, many discoveries are developed. For example, discovery of radioactivity by Henry Becquerel in 1985. Actually, radioactive means radioactivity pronounced so many names. For example, radioactive decay, also known as nuclear decay, radioactive disintegration, or nuclear decay, or nuclear disintegrations. The meanings of radioactivity mean is the process by which an unstable atomic nucleus loses its energy by radiations. Unstable nuclei mean an unstable nuclei, the strong nuclear force do not generate enough binding energy to hold the nucleus together permanently. यानी कि unstable nuclei में हम क्या लेते हैं कि उसके पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो इतनी जनरेट नहीं करती बाइंडिंग एनर्जी कि वो उसको होल्ड ऑन किए रखे, उसको परमानेंटली टुगेदर कंबाइन किए रखे, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लॉस ऑफ एनर्जी करते हैं बाय रेडिएशंस. एंड मैनी डिस्कवरीज, फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई जे जे थॉम्सन, मैथ एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ आइंस्टाइन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, एंड मॉडल ऑफ एटम बाय रदरफोर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन by James. These are the discoveries which is based on nuclear physics. That's why the separate branch of physics is developed and the name is nuclear physics. Next, देखें हमारी आज के lectures की जो है वो outlines contents के हम क्या क्या इसमें study करेंगे. सबसे पहले तो हम देखेंगे what is nuclear physics. न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशंस देखेंगे, स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इन पे कितना चार्ज है या मैस है, ये सारा हम इसमें स्टडी करेंगे. एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियस को देखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस क्या हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स होती हैं उनकी हम डिटेल्स और एग्जाम्पल्स देखेंगे. न्यूक्लियर मैस को डिफाइन करेंगे, मैस डिफेक्ट क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, एंड न्यूक्लियर साइज का साइज को एंड फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज को. और लास्ट में आपके पास रेफरेंस बुक्स होंगे जिससे आप इन टॉपिक्स की फर्दर जो डिटेल्स है वो भी आप उसकी देख सकते हैं उसमें से, ठीक है, और उसके बारे में जान सकते हैं. तो उन रेफरेंस बुक्स से भी आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं. तो न्यूक्लियर फिजिक्स को हम टू पार्ट्स में जो है वो टू कैटेगराइज कर सकते हैं, टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ थ्रेटिकल न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सेकेंड वन इज़ एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स. जैसे कि नेम से यहाँ पे हमें जो है पता लग रहा है कि कौन सी फिजिक्स की ब्रांच, इसमें थ्रेटिकली भी हम स्टडीज की करते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी हम इसको देखते हैं और मैनी एप्लीकेशन हैं इसकी. अब थ्रेटिकल फिजिक्स में हमारे पास इसमें थ्रेटिकल जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट वन देखें तो यहाँ पर है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं. अब न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में हम किन टर्म्स को जो है वो स्टडी करेंगे, उसमें आ जाएगा न्यूक्लियर का साइज, मैस, चार्ज, स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट्स, ये जो सारी टर्म्स होंगी वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में हम स्टडी करेंगे. सेकेंड, उसमें थ्योरेटिकल न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास जो आता है वो न्यूक्लियर मॉडल्स होते हैं,
न्यूक्लियर मॉडल्स की हम स्टडी करते हैं, उसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। मोस्टली हम थ्री मॉडल्स जो हैं वो पढ़ते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है, उसमें हम न्यूक्लियस को कंपेयर करते हैं एज अ लिक्विड ड्रॉप। और सेकंड हमारे पास होता है शेल मॉडल। शेल मॉडल में हम इसकी स्टडी करते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैजिक नंबर्स, डिस्कवरी ऑफ मैजिक नंबर्स के व्हाट इज मैजिक नंबर्स, वो सारी हम स्टडी करते हैं शेल मॉडल्स में। फिर उसके बाद आ जाता है कलेक्टिव मॉडल्स। कलेक्टिव मीन कंबाइंड मॉडल्स के जो टर्म्स हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते न्यूक्लियर शेल मॉडल्स में और लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, वो टर्म्स फिर हम कलेक्टिव मॉडल्स में देखते हैं। उसके बाद इसकी एक और टर्म्स है यहाँ पे, अगर मैं मेंशन करूँ तो रेडियो एक्टिविटी, वो भी थ्योरेटिकली फिजिक्स में आ जाता है। रेडियो एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन भी दिया था कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है, इसमें हम कौन कौन सी टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, कौन सी टर्म्स पढ़ते हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं डिकेज, अल्फा डिकेज, बीटा डिकेज, गैमा डिकेज, बीटा इनवर्स डिके, ये सारे जो डिकेज वगैरह का प्रोसेस है, इनवर्स बीटा डिके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, पॉजिट्रॉन एमिशन और सम, ये सारी टर्म्स जो हैं वो हम रेडियो एक्टिविटी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फोर्थ है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस हम एक्सपेरिमेंटल्स भी देखते हैं, थ्योरेटिकली भी देखते हैं। बाद अगर हम मूव करें एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ, तो एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है वो हम स्टडी करते हैं सबसे पहले एक्सीलरेटर्स के बारे में। अब एक्सीलरेटर्स एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जिसमें हम डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं और डिफरेंट उसके टर्म्स जो है उसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। तो एक्सीलरेटर्स में हम जो एक्सीलरेटर्स जो है वो स्टडी करते हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है लीनियर एक्सीलरेटर, बेंडिंग ग्राफ जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, प्रोटॉन, बीटाट्रॉन, ठीक है, ये सारे हम जो है वो एक्सीलरेटर्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिटेक्टर्स। अब डिटेक्टर्स में हम लोग जीएम काउंटर्स के बारे में, आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में, आप देखेंगे कुछ चीज़ें इसमें हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हम स्टडी करते हैं। अगर डीपली हम उसके बारे में कोई स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं। इसमें जीएम काउंटर, प्रोपोर्शनल काउंटर आ जाता है, सिंटिलेशंस डिटेक्टर्स आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। तो ये जो सारी टर्म्स जितनी मैंने आपको बताई है पूरी, ओवरऑल हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ये सब चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं। आपको पता है न्यूक्लियर फिजिक्स की आजकल काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी हैं, उनके बारे में मैं फर्दर आपको बताती हूँ। तो ये जो स्टडी है अब आज इस कोर्स में, जो न्यूक्लियर फिजिक्स वन का आपका कोर्स है, उसमें हम मोस्टली जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं, एक्सीलरेटर्स और डिटेक्टर्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, जो मॉडल्स हैं और मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्शन जो हैं वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स टू में पढ़ते हैं। तब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन देखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट, इसकी बिगनिंग किस तरह से हुई उसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे। सिंपल तो डेफिनेशन मैंने इसकी आपको बताई है एक लाइन में, जस्ट सिंपल वर्ड्स में आप कहें तो उसको तो आप कहते हैं न्यूक्लियर, इट इज़ द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में जो स्टडी है वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। सेकंड अगर हम इसकी बात करें तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं छोटे लेवल पे, जब 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से वो यही कॉन्सेप्ट करते हैं लोग के ये जो है वो एक एटॉमिक बम बनाने की फिजिक्स है कि जिसमें हम एटॉमिक बम के बारे में स्टडी करते हैं, उसको जनरेट कैसे करते हैं, सारा उसके बारे, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। जैसे आप देखें कि आजकल न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो भी बहुत एप्लीकेबल है, बेनिफिट्स हैं उनके हमारे लिए।
न्यूक्लियर मेडिसन बनाई जा रही हैं, उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एंड हम स्टडी करते हैं फिशन रिएक्शंस के बारे में कि सन्स एंड स्टार्स में फिशन या फ्यूजन रिएक्शंस कौन सा होता है और किस तरह से वहाँ पे अकर्स हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो स्टडी है वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ही करते हैं और फिर उसको हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो उसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो हमारे यूज़ हो रही है और उसको हम स्टडी करते हैं उनके सारे प्रोसेस के बारे में। और इसकी इब्तदा जो है वो 1911 में इसकी हुई जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में। ठीक है, जब हमें रदरफोर्ड ने एक कंसेप्ट दिया था एटम्स के मरकज के बारे में, यानी कि एटम्स के सेंटर्स के बारे में, कि एटम्स का एक सेंट्रल पोर्शन भी होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था। उसने क्या किया था, क्योंकि उससे पहले ये स्टडी करते थे कि हम किसी भी अगर चीज़ को कोई रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है, और एटम्स में भी हम यही कहते थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन लेटर ऑन जब इसने एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उसने गोल्ड फॉइल पर बम्बारमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल्स की। तो जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई तो फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल जो हैं वो सम आर हैवी एंड स्मॉल। ठीक है, कुछ एटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं और कुछ जो हैं वो स्मॉलर हैं। और फिर उसने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ जो हैं वो स्ट्राइक जब उसने करवाई वो उसके साथ टकरा के स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं, कुछ जो है वो रिटर्न बैक करते हैं। अब वो रिटर्न बैक क्यों करते हैं, यहाँ पे फिर उसने वो कंसेप्ट लिया था न्यूक्लियस का कि एटम्स का जो सेंट्रल पोर्शन है वहाँ से वो रिटर्न बैक कर रहे हैं। अब वो सेंट्रल पोर्शन आप इसको एग्जाम्पल, जैसे आपके पास गुठली है, ये एक खजूर है, उसके सेंट्रल पोर्शन जो होता है उसमें गुठली होती है। ठीक है, इसी तरह से जो एटम है उसमें जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो उसका न्यूक्लियस होगा। तो उसने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो सम रेस जो हैं अल्फा पार्टिकल जो हैं वो रिटर्न बैक हो रहे हैं। तो वहाँ पे फिर न्यूक्लियर फिजिक्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आया था, फिर इसकी ब्रांच जो है वो एक सेपरेट ब्रांच जो है वो फिजिक्स की बनाई गई और डिफरेंट फिनोमिनाज भी हमने इसमें स्टडी किए। अब किस तरह से ये एक सेंट्रल पोर्शन है एटम का, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसके अराउंड यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे। आपने इस तरह की एक स्ट्रक्चर जो है वो बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, उसमें भी देखी होगी। ठीक है, कि यहाँ पे इन पोर्शंस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं लेकिन वो न्यूक्लियस में नहीं है, उसके अराउंड ही है उनका क्लाउड। ठीक है, तो ये जो अब सेंट्रल पोर्शन है ये न्यूक्लियस है। अब इसके इनसाइड क्या है और इसकी क्या स्टडी है, ये सारी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। इससे पहले तक जो आप स्टडी करते थे वो एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते थे, उन्हीं को ज़्यादा, उनकी मोशंस को, उनकी स्पिन्स को, उन सब चीज़ों को जो है वो देखते थे। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स की नहीं बल्कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की स्टडी करते हैं जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस हैं। उनकी स्पिन क्या है, उनकी स्टडी, उन पे चार्ज कितना है, उनका मास कितना है, वो सारी जो स्टडी है वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। ये मेन डिफरेंस है न्यूक्लियर फिजिक्स का द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स से, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स से, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से। ठीक है, तो उसमें हम एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मोस्टली स्टडी करते हैं लेकिन इसमें हम न्यूक्लियस और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब इसकी मेन डेफिनेशन की तरफ आते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कि न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो स्टडी है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की एट द सेंटर ऑफ एन एटम, एटम्स के सेंटर में जो होते हैं। ठीक है, एंड द इंट्रैक्शन, और उनकी आपस में इंट्रैक्शंस क्या हैं, और वो एटम के सेंटर में आपको पता है न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, उन सब की जो स्टडी है वो न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। सेकेंडली, आप इसको और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with the structure of the atomic nucleus and the radiations from the unstable nuclei। ठीक है, ये एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और जो रेडिएशन से मीट होता है कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई उसके बारे में जो है वो हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो ये ज़रूरी नहीं है आप दोनों डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम्स में पूछा जाए दोनों लिखें, आप कोई सी भी लिख सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों लिखी है। अगर सिंपल वे में जस्ट कोई पूछ रहा है आपसे तो फिर तो स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस आप कह सकते हैं। स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस,
यानी कि जैसे नेम से मैं बार बार वही चीज़ें रिवाइज कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद भी इस तरह से हो जाएंगी कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से शो कि जो न्यूक्लियस की स्टडी हम करते हैं और हमें पता है न्यूक्लियस की स्टडी में क्या होगा, जो भी टर्म्स उसके इनसाइड होंगी उनके बारे में स्टडी, उनके इंट्रैक्शन, उनके फोर्सेस, ईच एंड एवरी थिंग उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं, उनसे डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट फ्रोमनास किस तरह से अकर होते हैं, वो सारी स्टडी जो है वो हम इसमें करते हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस में देखें, द सेंटर ऑफ एवरी एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रदरफोर्ड ने एक कंसेप्ट दिया था कि एटम्स के सेंटर में एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अ न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लॉन्स व्हिच कंप्राइजेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक न्यूक्लियस जो है वो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पर, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हम इसको न्यूक्लॉन्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू न्यूक्लॉन्स। ठीक है, अब इनको हम न्यूक्लॉन्स कहते हैं। और सेकंड हम देखेंगे फर्दर, जैसे जैसे हम स्टडी आगे मूव करते जाएंगे हम देखेंगे कि न्यूक्लॉन्स को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर अगर किसी का बताना है तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम ऐड करते हैं तो उसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लॉन्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक एटम है, ये उसका सेंट्रल पोर्शन जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इस सेंट्रल पोर्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होंगे, यहाँ पर इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनकी इंट्रैक्शंस और इनकी स्टडी के बारे में जो है वो सारा हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। बेसिकली तो आप लोगों को सब इससे फेमिलियर हैं, प्रीवियस क्लासेस में केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं। तो इसको यहाँ पर रिवाइज करने का मतलब ये है कि कुछ टर्म्स जो हैं वो हम लोग रिवाइज कर लें, वो आगे नेक्स्ट फर्दर हमारे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में यूज़ होती हैं, तो मोस्टली प्रॉब्लम्स में उनकी वैल्यूज़ नहीं गिवन होती क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं तो इनकी वैल्यूज़ हमें याद करनी पड़ती है। जस्ट इनका नेम भी लिख दिया जाए तो हमें पता होना चाहिए कि उन पर कितना चार्ज है, उनका मास नंबर क्या है, ताकि हम उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। सम न्यूमेरिकल्स में तो गिवन ब्रैकेट्स में दे देते हैं, लेकिन बेसिक ये जो है वो आप लोगों ने टर्म्स के वैल्यूज जो हैं वो आप लोगों ने याद करनी है, इसलिए यहाँ पर जो है वो मैंने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो है वो मेंशन किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल इनसाइड अ न्यूक्लियस। ठीक है, हमें पता है कि न्यूक्लियस के इनसाइड जो है वो प्रोटॉन होता है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में यही कहते थे कि जो एटम्स है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम बहुत स्मॉल जो है वो छोटा सा एक ज़रा है बिल्कुल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेटर ऑन फिर बताया गया कि एटम्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करके फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं उसके, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इन सब की स्टडी करते हैं, फिर ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। हैविंग पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। अगर आप देखें न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस पर क्या चार्ज है, तो फिर वो चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन की वजह से होगा और वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, और इसके चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये इसकी वैल्यू जो है वो आपने याद करनी है। नेक्स्ट, इसका मास ऑफ प्रोटॉन कितना है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.673×10⁻²⁷ किलोग्राम और 1.007276 U। अब ये दोनों वैल्यूज मैंने मास की लिखी हैं। ये यू का क्या मतलब है, यूनिफाइड मास यूनिट होता है, इसको एटॉमिक मास यूनिट भी आप कह सकते हैं, AMU, सम जो है वो बुक्स उसमें लिखा होता है AMU, सम में यू लिखा हुआ है, तो इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं 1.007276 U। अब ये दोनों लिखने का मतलब कि आप एक टन भी याद कर सकते हैं, लेकिन दोनों याद करनी है क्योंकि हमें पता है ये जो किलोग्राम यूनिट है इज अ लार्जर यूनिट। ठीक है, और जो U है वो इज़ अ स्मॉलर यूनिट, और हम स्टडी करते हैं एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो वो बहुत ही स्मॉल
पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करने के लिए कुछ वैल्यूज जब हम मेयर करते हैं तो हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू ये वाली भी आप याद करेंगे 1.007276 U। द प्रोटॉन इज स्पिन हाफ पार्टिकल कम्पोज ऑफ टू अप क्वार्ट्स एंड वन डाउन क्वार्ट्स। अब प्रोटॉन जो है वो कहते हैं स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं, और ये किससे मिलके बने होते हैं, टू अप क्वार्ट्स से और वन डाउन क्वार्ट्स से। अब ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इनकी अपनी जो स्पिन कहते हैं वो रोटेट करते हैं अपने ही एक्सिस के अलोंग, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर अपने ही एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो स्पिन कर रहे हैं, तो उनकी हाफ इंटीग्रल होती है। एंड ये मिलके बनाते हैं टू अप क्वार्ट्स एंड वन डाउन क्वार्ट्स से। अब ये क्वार्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि क्वार्ट्स हम किसे कहते हैं, तो क्वार्ट्स इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, कि ये जो है इनसे क्वार्ट्स से मिलके हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बनते हैं, तो ये बेसिक उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स फॉर्म कंपोजिट पार्टिकल्स कॉल्ड हाइड्रॉन्स, और इनसे हाइड्रॉन्स भी बनते हैं, ठीक है, इनको हम क्वार्ट्स कहते हैं। अब टू अप क्वार्ट्स एंड वन डाउन क्वार्ट्स से बनते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जो टू अप क्वार्ट्स हैं, अप के वर्ड अप की जगह पे हम और टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, टॉप भी कह सकते हैं इसको हम, और चार्म भी कह सकते हैं, और डोन की जगह पे हम बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रेस्ट मास एनर्जी जो प्रोटॉन की होगी वो 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब रेस्ट मास एनर्जी जो है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम रिलेटिविटी में करते हैं, जहाँ पे हम वो आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है वो यूज़ करते हैं E=mc². तो अब मतलब हम अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है उसको हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी की एक कंप्रेसिव फॉर्म है, कि एनर्जी को इकट्ठा करके उसको कंप्रेस करके हम कोई भी लिक्विड्स या फिर सॉलिड्स वगैरह बना रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक किलोग्राम मास बनाने के लिए हमें कितनी एनर्जी जो है वो उसको कंबाइन करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। तो एक किलो अगर एक प्रोटॉन को अगर हम उसकी एनर्जी देखना चाहें कि वो कितनी एनर्जी से मिलकर जो है उसको हम कंप्रेसिव एनर्जी के फॉर्म में मिलकर उसको बना सकते हैं, तो वो रेस्ट मास एनर्जी जो उसके लिए रिक्वायर्ड होगी वन किलोग्राम वन प्रोटॉन के लिए वो होगी 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट इसके ऑपोजिट ही है बिल्कुल न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल इनसाइड अ न्यूक्लियस, ठीक है, ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है इनसाइड द न्यूक्लियस हैविंग नो चार्ज, लेकिन इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6575×10⁻²⁷ किलोग्राम और 1.008665 U। अब इसमें जो है वो मास, इसका मास जो है वो 1.67 अगर आप देखें तो दोनों में माइनस का डिफरेंस है वो भी थर्ड डिजिट्स पे जाके, ये है 1.673 जो है आपके पास प्रोटॉन का और जो आपके पास न्यूट्रॉन का है, प्रोटॉन का ये 7 के बाद 3 है और यहाँ पे 7 के बाद 5 है, थर्ड डिजिट्स पे जाके जो है वो पॉइंट्स के बाद जो है वो चेंज आ रही है इसमें, तो थोड़ा सा माइनस का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इक्वल है। और 1.008 यहाँ पे भी देखें तो थर्ड डिजिट्स पे जाके वो आपके पास था 1.007 और यहाँ पे है 1.008665 U यूनिफाइड मास यूनिट। द न्यूट्रॉन इज स्पिन हाफ, इनकी भी स्पिन हाफ है पार्टिकल कंपोज ऑफ वन अप क्वार्ट्स एंड टू डाउन क्वार्ट्स, लेकिन ये इसके ऑपोजिट है, इसमें क्या है वन अप क्वार्ट्स होगा और टू डाउन क्वार्ट्स होंगे, उसमें टू अप क्वार्ट्स होंगे और वन डाउन क्वार्ट्स होगा, लेकिन इसमें वन अप क्वार्ट्स होगा और टू डाउन क्वार्ट्स होंगे। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी एनर्जी कितनी है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी कितनी है 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए सिंबल फॉर अ न्यूक्लियस हुज केमिकल सिंबल इज एक्स, तो केमिकल सिंबल एक्स से हम जो है वो न्यूक्लियस को डिनोट करते हैं, यानी कि ये कैपिटल एक्स है। यहाँ पे कोई भी आपके पास जो है वो मटेरियल हो सकता है,
कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है, यानी कि कार्बन का है तो आप सी लिख लेंगे, हाइड्रोजन का है तो एच आ जाएगा, इसी तरह से हीलियम का है तो एच ई आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो इसके अपर सुपरस्क्रिप्ट में है वो है एटॉमिक मास नंबर को शो कर रहा है ए, और जो सबस्क्रिप्ट में है वो आपके जी जो है वो प्रोटॉन नंबर्स को या चार्ज नंबर को डिनोट कर रहा है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तब भी आपका ठीक है, राइट है। अगर आप ए को इस साइड पे लिख लें सुपरस्क्रिप्ट में और जी को इसी साइड पे रहने दें, देन भी आपका जो है वो राइट होगा, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू जी प्लस एम, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको हम न्यूक्लोन्स भी कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं और न्यूक्लोन्स भी कहते हैं। ए डिटरमाइंस द मास ऑफ द न्यूक्लियस, ए जो है वो मास ऑफ द न्यूक्लियस हम उससे डिटरमाइन करते हैं, उसे प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हैज जी इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू 1 एंड इज रिटन एज H11। देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का हमारा ये मेथड होता है कि जो एटॉमिक मास है उसमें से हम माइनस कर दें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स नंबर आ जाएंगे। इसी फार्मूला के लोग अगर देखें न्यूट्रॉन्स की वैल्यूज आपको नहीं पता तो जी को दूसरी साइड पर ले देंगे वो माइनस हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ए माइनस तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी न्यूट्रॉन्स की। अब देखें ए जी उसमें 1 है, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास भी वो कह रहे हैं कि 1 है, ठीक है, इसका मतलब कि उसमें कोई भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो नहीं है। अब यह जो आपके पास इसका जो कंसेप्ट के न्यूट्रॉन्स की वैल्यू उसमें नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर होता है, तो 0 + 1 करेंगे तो एटॉमिक मास भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो कोई भी आपने रिप्रेजेंट करना है किसी भी न्यूक्लियस को तो इस फॉर्म में जो है वो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियाई और आइसोटोप्स, ये हाइड्रोजन है, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है इसलिए इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, प्रोटियम भी कहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन का आइसोटोप, जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है और 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, एक ही प्रोटॉन होता है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ड्यूट्रियम, तो ड्यूट्रियम में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, कैसे कि इसका एटॉमिक मास 2 है, 2 - 1 करेंगे तो 1 आपके पास आ जाएगा न्यूट्रॉन, तो इसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिटियम, ठीक है, ट्रिटियम में 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे और 1 प्रोटॉन होगा, क्योंकि 3 इसका एटॉमिक मास है, 3 - 1 करेंगे तो 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपके पास इसके आइसोटोप्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, और भी डिफरेंट न्यूक्लियस हैं आपके पास इनकी जिनके आइसोटोप्स होते हैं। यहाँ पे 2 की एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं जो कि बेसिक हैं, कि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के। अब हम ये टर्म डिफरेंट टर्म्स भी यूज़ करते हैं, हम इसको ड्यूट्रियम, ट्रिटियम और प्रोटियम भी कहते हैं, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन एंड ट्राइटॉन भी कहते हैं। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तब हम इसको प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड ट्राइटॉन कहते हैं, जब हम किसी भी न्यूक्लियस की बात करते हैं और जब न्यूक्लियाई की बात करते हैं तब हम इसको प्रोटॉन वगैरह कहते हैं, जब न्यूक्लियस की बात करते हैं तब हम ड्यूट्रियम, ट्रिटियम कहते हैं, ठीक है। ये इनमें भी एक मेन डिफरेंस है, किसी एक ही चीज़ को आइसोटोप्स को हम ड्यूट्रियम भी कह रहे हैं, न्यूट्रॉन भी कह रहे हैं, तो कब हम उसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। कार्बन के आइसोटोप्स हैं, अब आइसोटोप्स का मीनिंग भी आपको जो है वो पता होना चाहिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं आपके पास, आइसोटोप्स जो हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर हम किस किस को कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियस को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, इसी तरह से एटॉमिक नंबर को हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, ठीक है, कि कितना उस पर चार्ज है, या उसको आप सेकेंडली प्रोटॉन कह सकते हैं या फिर उसको एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। इसी तरह से एटॉमिक मास को हम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं।
अब वो जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो सेम होगा, लेकिन डिफर इन न्यूक्लियॉन्स नंबर, यानी कि न्यूक्लियॉन्स नंबर यानी कि मास नंबर उसका डिफर होगा, एटॉमिक नंबर उसका सेम होगा, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। डिफर किस वजह से होता है आइसोटोप्स का? एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास डिफर बट एटॉमिक नंबर सेम, वो न्यूट्रॉन्स की वजह से डिफरेंट होता है, कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यूज कम या ज़्यादा होती है, फिर उसी की वजह से उसका एटॉमिक मास भी जो है वो डिफर होता है। अब देखें C6 12 है, इसमें 6 प्रोटॉन्स है, 12 माइनस 6 करेंगे 6 ही न्यूट्रॉन्स है। अगर C6 13 है तो इसमें 13 माइनस 6 तो 7 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे और 6 प्रोटॉन्स आ जाएंगे, तो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हुए जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट हुए, यानी कि उसका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हुआ। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए, चार्ज नंबर की बात की जाए प्रोटॉन्स की, तो वो सेम है, 6 प्रोटॉन इसमें है, 6 इसमें है और 6 ही इसमें है। ये C14 6 14 माइनस 6 8 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। देखें सब में आप ये न्यूट्रॉन्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, लेकिन प्रोटॉन्स की वैल्यू जो है वो सेम है। तो ये इसके आइसोटोप्स। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड ऑड एटॉमिक न्यूक्लियाई। इसको हम टू कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं, इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई में एंड ऑड एटॉमिक न्यूक्लियाई में। इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई किस तरह के होते हैं? सिंपल, तो आप इसके नेम से जो है वो उसको जान सकते हैं, बता सकते हैं कि इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई किस तरह के और ऑड एटॉमिक न्यूक्लियाई किस तरह, जिनमें मास नंबर की वैल्यू इवन होगी वो आपके पास इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई होंगे, और जिसमें मास नंबर की वैल्यूज जो है वो ऑड होगी वो आपके पास ऑड एटॉमिक न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, मेन इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई, द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई व्हेन इट हैज इवन मास नंबर। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस जिसका इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई कहलाएगा जब उसका मास नंबर जो है वो इवन हो। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का 12 एटॉमिक मास है, जैसे अभी हमने देखा, मैग्नीशियम का 24 होता है, सिलिकॉन का 28। यहाँ पे अगर आप देखें इस फॉर्म में, अगर ये कार्बन 12 लिखा हुआ है तो ये 12 उसका एटॉमिक मास है, ये इवन नंबर वैल्यूज है, इसलिए हम इसको इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई कहते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, अब इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज में। फर्स्ट आपके पास है इवन इवन न्यूक्लियाई, सेकेंड आपके पास है ओड ओड न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट आपके पास इवन इवन न्यूक्लियाई है, द इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई इन विच जी इज इवन एंड एन इज इवन आर कॉल्ड इवन इवन न्यूक्लियाई। कि ओवरऑल आपसे अगर पूछा जाए कि इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई है या ओड, वो आपने वैल्यू देख कर बता देना है। अगर ओड वैल्यू है एटॉमिक मास की तो आपने कहना है ओड एटॉमिक न्यूक्लियाई है, अगर इवन वैल्यूज है तो आपने कहना है इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई। लेकिन अगर सब डिवाइडेड में से कोई पूछा जाए कि इसका कौन सा है ये, तो फिर आपने क्या देखना है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखना है। और इसका एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, बहुत इजी है, जिससे आपको ये डेफिनेशंस भी याद नहीं करनी पड़ेंगी, आप इजीली उसको बता सकते हैं कि ये कौन सा, अगर किसी एग्जांपल्स को देके आपसे पूछा जाए कि क्लासीफाइड करें, डिफ्रेंशिएट करें कि ये कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने लगी थी इसको लर्न करने का, कि जो फर्स्ट में आपके पास लिखा है वो आपके पास प्रोटॉन नंबर को शो करेगा, ठीक है, और जो सेकंड पे लिखा है वो आपके पास न्यूट्रॉन्स नंबर को शो करेगा। कि अगर डेफिनेशन में अगर आपको दिया भी गया ना कि आप डिफ्रेंशिएट करें इवन इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई या और इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई कोई भी इस तरह से, तो आपने फर्स्ट में जो नंबर लिखा हुआ है देखना है कि किस में उसकी वैल्यूज इवन है। ठीक है, प्रोटॉन है इवन है, तो हमने प्रोटॉन नंबर देखना है कि इवन है इवन है। तो ये मैं बता रही थी कि जो फर्स्ट में आपको लिखा होगा वो आपने उसको देखना है कि प्रोटॉन नंबर की वैल्यूज इवन होनी चाहिए, ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे इस तरह से लिखा होगा उसमें आपने देखना है न्यूट्रॉन्स की वैल्यू वैसी होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे ऑड लिखा होता आपने देखना था कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू ऑड किस में है, ठीक है, और इवन है तो इसका मतलब प्रोटॉन की वैल्यूज देखनी है। डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा, द इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई इन विच जी इज इवन, ठीक है, ऐसा एटॉमिक न्यूक्लियाई जिसमें प्रोटॉन की वैल्यूज क्या हों इवन एंड एन इज इवन आर कॉल्ड इवन इवन ए न्यूक्लियाई।
अब वो किस तरह से, अब देखें C6 12 12 उसका एटॉमिक मास है, उसमें प्रोटॉन की वैल्यूज क्या है, 6 6 इज इवन नंबर, यानी कि इसमें प्रोटॉन की वैल्यूज क्या है, इवन है। अगर आप देखें तो 12 माइनस 6, आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन है उसकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए माइनस जी करते हैं। तो यहाँ पे ए माइनस जी करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी, तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो यानी कि इसमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यू भी क्या है, इवन है। तो इसका मतलब ये इवन एटॉमिक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसी तरह से हीलियम में अगर आप देखें तो हीलियम में है आपके पास 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 4 उसमें है एटॉमिक मास। 4 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, तो इसलिए हम इसको इवन न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर पूछा जाए तो इवन एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ऑड न्यूक्लियस। ऑड न्यूक्लियस, हाँ जी, वो अभी नेक्स्ट हम कैटेगरी पढ़ते हैं ना, 2 कैटेगरीज है ना, अभी हम इवन एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, फिर हम ऑड एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़ेंगे। अब ऑड और न्यूक्लियस देखें, उसको हम इवन एटॉमिक न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, आपको पता है कि जब ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करेंगे तो वो इवन नंबर बना देता है, इसलिए हम ऑड जिसमें वैल्यूज होंगी प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की उसको भी हम क्या कहेंगे, इवन एटॉमिक न्यूक्लियस। अब देखें, फर्स्ट मैंने आपको क्या कहा कि फर्स्ट में आपने देखना है किसकी वैल्यू ऑड होनी चाहिए, ऑड का मतलब है प्रोटॉन की वैल्यूज ऑड होगी। सेकंड में भी ऑड लिखा है तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यूज भी क्या होंगी, ऑड। एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। द इवन एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच जी इज ऑड, ऐसा एटॉमिक न्यूक्लियस जिसमें जी की वैल्यू क्या हो, प्रोटॉन नंबर ऑड एंड एन इज ऑड और न्यूट्रॉन नंबर्स भी क्या हो, ऑड, आर कॉल्ड ऑड न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ड्यूट्रियम, यानी कि इसमें 1 प्रोटॉन है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही न्यूट्रॉन होगा, तो 1 वैल्यू 1 इज ऑड नंबर, इसलिए ये जो है वो ड्यूट्रियम, वो ऑड न्यूक्लियस भी कहेंगे उसको, और सेकेंड उसको इवन एटॉमिक न्यूक्लियस भी कहेंगे। इसी तरह से लिथियम है, 6 माइनस 3 3 3 इसमें है इसका प्रोटॉन नंबर, यानी कि जो आपके पास ये ऑड वैल्यू है, ऑड नंबर है 3। इसी तरह से 6 माइनस 3 करेंगे, 3 ही इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे जो कि ऑड वैल्यूज है, तो इसलिए ये वाले जो हैं वो ऑड न्यूक्लियस भी कहलाएंगे और सेकेंड इसको इवन एटॉमिक न्यूक्लियस भी कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास इसकी सेकेंड टाइप है ऑड एटॉमिक न्यूक्लियस। जैसे कि नाम से उसके शो हो रहा है कि जिसका एटॉमिक मास जो है वो ऑड वैल्यू होगी, ऑड नंबर होगा, उसको हम कहेंगे ऑड एटॉमिक न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑड एटॉमिक न्यूक्लियस व्हेन इट हैज ऑड मास नंबर, जब उसका मास नंबर जो है वो ऑड होगा उसको हम कहेंगे ऑड एटॉमिक न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल ट्रिटियम, हाइड्रोजन 3, ठीक है, लिथियम उसका 7 एटॉमिक मास है, क्लोरीन उसका 35 है, ये ऑड नंबर हैं, इसलिए हम इसको ऑड एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, इनको भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं फर्दर, फर्स्ट वन इज इवन ऑड न्यूक्लियस, ठीक है, सेकंड इज ऑड इवन न्यूक्लियस। तो बेसिक ट्रिक वही आपके माइंड में कि अगर चारों जो मैंने अभी 2 स्टडी करवाए और जो 2 अब स्टडी करवाने लगी उनमें से अगर एग्जाम्पल्स मैं कंबाइन करके सबकी दे दूँ और आपसे कहूँ कि ये डिफ्रेंशिएट करें इनको कि ये कौन कौन से हैं, तो आपको उनकी नाम वैल्यू से, नाम से ही पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से हो सकते हैं। क्या ट्रिक है कि फर्स्ट में जो मैंने लिखा है उसमें आपने देखना है प्रोटॉन नंबर की वैल्यू वो होनी चाहिए, सेकंड वाले के लिए आपने चेक करना है कि उसी वाले में न्यूक्लियस में उसकी वैल्यू जो है वो ऑड होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इवन है, तो इसमें प्रोटॉन नंबर क्या होंगे, इवन, और सेकेंड में ऑड है, इसमें न्यूट्रॉन नंबर क्या होंगे, ऑड। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन भी आप खुद से लिख सकते हैं। द ऑड एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी कि उसी की कैटेगरी है ना, द ऑड एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच जी इज इवन, प्रोटॉन इज इवन, प्रोटॉन नंबर इज इवन एंड एन इज ऑड और न्यूट्रॉन नंबर इज ऑड आर कॉल्ड इवन ऑड न्यूक्लियस। तो इसको हम कहते हैं इवन ऑड न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम 9 4, इसमें देखें 4 इन इवन नंबर, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हैं, 4, तो इवन नंबर है। अब सेकंड में देखें 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, तो ये सेकंड पे ऑड लिखा है, तो न्यूट्रॉन नंबर जिसमें क्या होंगे, ऑड,
ओवरऑल इसकी एटॉमिक मास देखें तो वो 9 इज ओड नंबर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओड एटॉमिक न्यूक्लियाई और इवन ओड न्यूक्लियाई। इसी तरह से ऑक्सीजन 8 उसमें एटॉमिक नंबर है, यानी कि प्रोटॉन नंबर पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी इवन वैल्यू है। 15 माइनस 8 7 आ जाएगा आपके पास न्यूट्रॉन नंबर्स, न्यूट्रॉन नंबर्स की वैल्यू क्या होगी, ओड। और ओवरऑल अगर देखें तो इसकी 15 ओड वैल्यू है, इसलिए हम इसको ओड एटॉमिक न्यूक्लियाई और इवन ओड न्यूक्लियाई कहते हैं। इसी तरह से जो इसकी सेकंड टाइप है ओड इवन न्यूक्लियाई, द ओड एटॉमिक न्यूक्लियाई इन विच जी इज ओड एंड एन इज इवन। तो इवन ओड न्यूक्लियाई में आपने फर्स्ट में क्या देखना है कि जो प्रोटॉन की वैल्यू है वो ओड होनी चाहिए, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू जो है वो इवन होनी चाहिए, तो वो आपके पास जो न्यूक्लियाई कहलाएंगे वो ओड इवन न्यूक्लियाई कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ट्रिटियम है, इसमें एक प्रोटॉन है जो कि ओड वैल्यू है, 3-1 करेंगे तो 2 इसमें इवन नंबर है, यानी कि उसके न्यूट्रॉन्स की वैल्यूज क्या है, इवन। और थर्ड में आपके पास आ जाएगा ये एल्यूमिनियम की एग्जांपल है, तो 13 इज ओड नंबर, तो इसमें ओड नंबर है प्रोटॉन, एंड 27-13 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 जो कि एटॉमिक मास नंबर है इसका, सॉरी न्यूट्रॉन नंबर है जो कि इवन है। ओवरऑल देखें तो 27 इज ओड नंबर एंड 3 इज आल्सो ओड नंबर, इसलिए इनको हम ओड एटॉमिक न्यूक्लियाई और ओड इवन न्यूक्लियाई की कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर मास। अब न्यूक्लियर मास क्या है, न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ जी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब हमें बताया कि कोई भी न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लेट द मास ऑफ द न्यूक्लियस, फिर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पर। इफ अ न्यूक्लियस इज एक्ज्यूम्ड टू बी अ सिंपल कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, अगर हम ये कंसिडर कर लें, सपोज कर लें कि हमारे पास जो न्यूक्लियर का मास है वो न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियस जो है वो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पर, द मास ऑफ द न्यूक्लियस वुड बी जस्ट द सम ऑफ द मैसेज ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट्स न्यूट्रॉन, तो फिर जो उसका मास नंबर होगा वो हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ सम होगा उसके मैसेज का, इंडिविजुअल मैसेज का, यानी कि न्यूक्लियॉन्स का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। तो अब ये मास कैपिटल एम से हम न्यूक्लियस का मास जो है वो डिनोट करें, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, विच इज इक्वल टू जी, क्या है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द प्रोटॉन, जो कि मैंने आपको भी प्रोटॉन का मास नंबर बताया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे जो भी आपको न्यूक्लियस गिवन हो, यानी कि एम की जगह पे आपके पास कार्बन है या हाइड्रोजन है उसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे कार्बन लिख लेंगे, यहाँ पे जी उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 6 हैं, 6 लिख लेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है एक का, जो आपको मैंने वैल्यूज बताई वो याद करनी है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ए माइनस जी आपके पास क्या होता है, आपको पता है ये न्यूट्रॉन नंबर्स होते हैं कि जो टोटल उसका एटॉमिक मास गिवन दिया गया है, अगर 12 है कार्बन का तो 12-6 उसमें प्रोटॉन्स है माइनस कर देंगे तो 6 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू लिखनी होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप न्यूट्रॉन के मास से, तो आपके पास उसका एटॉमिक मास आ जाएगा न्यूक्लियस का। वेयर एम पी एंड एम एन डिनोट रिस्पेक्टिवली द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, जबकि प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ये डिनोट कर रहे हैं। हाउएवर ताहम अ न्यूक्लियस इज नॉट अ सिंपल कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की कलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो तो हमने एग्ज्यूम कर लिया कि सिर्फ उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, लेकिन अगर आप सोचें थोड़ा सा तो उसको आपको पता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हैं तो उनमें कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स होगी अट्रैक्टिव की न्यूक्लियस के अंदर जो कि उनको होल्ड ऑन किए रखते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो कि उनको कंबाइन किए रखती है, स्टेबल किए रखती है न्यूक्लियस को। अगर वो अनस्टेबल होगा वो तो फिर उधर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अगर स्टेबल किस तरह से रहता है, फिर उसमें कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है जो उसको कंबाइन किए रखती है। तो इस तरह से जो आपके पास है ये हम कहते हैं कि न्यूक्लियर सिर्फ इसकी सिंपल कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की नहीं है, बल्कि बट दे स्ट्रॉन्गली कंबाइन विद ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली कंबाइन होते हैं थ्रू अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू नेम्ड एज द न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उसके थ्रू जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं।
यहाँ देखते सिंपल सा बहुत सा इजी सा एक एग्जांपल छोटी सी दी गई है, उसमें अगर आपने एटॉमिक मास उसका कैलकुलेट करना है, वैसे तो आपको अगर इस तरह से जस्ट ये तो मैंने सिंपल इसका फार्मूला लिख दिया ना, अगर यहाँ पे जस्ट लिखा जाए कि कैलकुलेट द मास ऑफ द कार्बन, ठीक है, C12 आइसोटोप, फिर उसमें आपको पता है वैसे तो उसके शो है नाम से, लेकिन अगर वैसे कैलकुलेट करना चाहें कोई हैवीएस्ट एटम हो उनके, तो फिर आप किस तरह से करते हैं कि इसमें आप देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस जी नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 12 माइनस 6 6 आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 12, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन किसके इक्वल आ जाएगा, 12। तो इस तरह से आप उसका न्यूक्लियस का मास जो है वो एटॉमिक मास जो है वो किसी भी न्यूक्लियस का कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास डिफेक्ट। अब इसका एक ओवरऑल अगर व्यू आपको मैं दूँ, तो अब अगर ओवरऑल आप कंबाइंड न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करते हैं वो, और सेपरेटली एक एक यानी क्या सेपरेटली प्रोटॉन्स का इंडिविजुअल जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन, उनका अगर सेपरेटली करते हैं फिर उनको ऐड करते हैं सेपरेटली करके, या फिर कंबाइन जो न्यूक्लियस का होता है आपके पास, जैसे आप कोई भी चीज़ है आपके पास, आप पहले वो कंबाइन है, ठीक है, कोई भी फ्रूट ले लें चले, तो उसका आप वेट करते हैं, उसका क्या वेट है, बाद में आप उसको काट के पीसीज में करके देन उसका वेट करें। तो यहाँ पे इस तरह से इसका मैं आपको कंसेप्ट देना चाह रही हूँ कि इसमें अगर ओवरऑल हम एटम्स का मास देखें तो वो थोड़ा सा लेस होता है, अगर इंडिविजुअल का कैलकुलेट करें और देन उनको ऐड करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब ये जो इसमें डिफरेंस आ रहा है उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है, जो डिफरेंस इसमें आता है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, ये डिफरेंस किस वजह से आता है, यहाँ पे देखें, द मास ऑफ अ पार्टिकुलर एटम, कि जो भी आपको एटम गिवन है उसका मास इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ द मैसेस ऑफ द इंडिविजुअल न्यूट्रॉन, ठीक है, कि उसका मास जो है वो थोड़ा सा लेस होगा एज कम्पेयर टू द सम ऑफ द मैसेज ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच द एटम कंसिस्ट्स, कि वो एटम जिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन पर एग्जिस्ट कर रहा है उनके अगर इंडिविजुअल्स का सम है उससे कम होगा एज कम्पेयर टू होल, ठीक है। द दिस डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, अब ये डिफरेंस किस वजह से आता है मास में, न्यूक्लियॉन्स की वजह से, ठीक है, एंड द मास ऑफ दैट न्यूक्लियस मेयर्स एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, ये जो मास जो है वो मेयर किया जाता है वो मास डिफेक्ट है एक्सपेरिमेंट। तो ये न्यूक्लियॉन्स नंबर्स की वजह से, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अगर उसमें सेम है और एटॉमिक मास में चेंज किस वजह से आएगा, अगर न्यूट्रॉन्स की वैल्यू चेंज होगी यानी कि ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में डिफरेंस आएगा, तो उस वजह से उसके मास में भी डिफरेंस आता है, तो इसको हम कहते हैं मास इफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम रिलेशन इसका फाइंड आउट करें, कोई एनर्जी की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करें, तो एनर्जी मास रिलेशन वाली जो इक्वेशन है उसको हम यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1u यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब सी हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब 1u जो है वो इक्वल होगा 1.6606×10⁻²⁷, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3×10⁸ का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगी, इसकी एनर्जी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये फार्मूला जो है वो इसके डिवीजन में हमने ये वैल्यू क्यों लिखी है, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे 1.6606×10⁻¹⁶ से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इसकी एनर्जी की वैल्यूज आ जाएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आप देखेंगे ये जो मेगा है ये 10⁻⁶ के इक्वल होता है, ठीक है,
अब जब 8 का स्क्वायर करेंगे 16 है, ये 27 है, उसमें से माइनस कर दें कितना आपके पास रह जाता है, फिर उसको मेगा में कन्वर्ट कर दें। ये नीचे वाली जो पावर है इसको भी आप ऊपर वाली साइड पे ले जाएं, ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये नीचे नेगेटिव साइन है, ऊपर जाके पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो देन आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन इसको आपने कॉपी पे करना है, ठीक है, सारी कैलकुलेशन एक एक स्टेप की, ये जो मल्टीप्लीकेशन की है, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की आती है, रेस्ट मैच एनर्जी वो आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इससे पहले मैंने आपको प्रोटॉन की एंड न्यूट्रॉन की रेस्ट मैच एनर्जी वैल्यूज बताई थी 938 एंड 939, जबकि इलेक्ट्रॉन की क्या है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आप भी एनर्जी की वैल्यूज जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का मैच नंबर आपको पता है सी स्क्वायर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर साइज। इससे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियर मैच जो है उसको डिस्कस किया है, अब हम देखेंगे न्यूक्लियर साइज को। द न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एन एटम, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स, चार्ज, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। जैसा अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एटम का सेंट्रल पोर्शन है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के इनसाइड जो है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जिनको हम जो एक कॉमन नेम से हम कह देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स, या फिर आप उसको कह सकते हैं एटॉमिक मास। एंड इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल पोर्शन में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड जो है वो आपके इस तरह से ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब सेंट्रल पोर्शन के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, एंड सराउंडिंग में क्या है इलेक्ट्रॉन्स। द साइज, मोस्टली साइज का मतलब है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर की हम बात करते हैं कि वो उसकी जो साइज है न्यूक्लियस का, ऑफ द न्यूक्लियस इज बिटवीन 1.6 fm। अब fm को हम बोलते हैं फेमटोमीटर। अब 1 फेमटोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1 × 10⁻¹⁵ मीटर के इक्वल होता है 1 फेमटोमीटर, ठीक है। ये इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना MCQs, इसी तरह की चीज़ों से बनते हैं, और ये जब आपने पढ़ी हो तो फिर वो आपको याद रहती है इस तरह की चीज़। जैसे आपको पता है मेगा जो है वो 6 के पावर के इक्वल होता है पॉजिटिव में, नैनोमीटर जो है वो 9 पावर में होता है -9, ठीक है, इसी तरह से ये जो फेमटोमीटर है ये 10⁻¹⁵ मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अब जो कहते हैं न्यूक्लियर का जो साइज है डायमीटर है वो 1.6 फेमटोमीटर से स्टार्ट होता है, और इतना जो साइज है 1.6 फेमटोमीटर, यानी कि अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें ना तो ये आ जाएगा 1.000014 लगा के फिर 6 लगाएंगे तो फिर ये फेमटोमीटर जो है वो इसका साइज बनेगा, ठीक है, ये माइनस में है ना तो इसलिए 00 इस साइड पे लगेंगे। ये होगा उसके लाइटर न्यूक्लाई के लिए, लाइटर एटम के न्यूक्लियस के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल फॉर अ प्रोटॉन इन लाइट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर कोई भी आपके पास एटम है तो उसमें जो प्रोटॉन्स होंगे उसमें जो न्यूक्लियस का साइज है वो 1.6 फेमटोमीटर होगा। अगर आपके पास लार्जर हैवीएस्ट एटम्स आ जाते हैं सच एज जैसा कि यूरेनियम है तो उसका 15 फेमटोमीटर तक जो है वो उसका साइज हो सकता है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स अगर लाइटर लेते हैं तो वो 1.6 से स्टार्ट होता है, फिर और डिफरेंट सारे एलिमेंट्स होंगे उनका डिफरेंट होगा, लेकिन कहाँ तक जाता है, यूरेनियम का एटॉमिक मास होता है 238, तो अब ये 15 फेमटोमीटर फॉर द हैवीएस्ट एटम के लिए होगा 15 फेमटोमीटर, लेकिन स्मॉलर के लिए 1.6। दिस साइजेज आर मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम। अब ये जो साइज है वो कहते हैं कि कम है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम इट्सेल्फ। अगर ये सेपरेटली उनके मैसेज साइज देखे जाए वो कम है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम इट्सेल्फ बाई अ फैक्टर ऑफ अबाउट 23,000 यूरेनियम। यूरेनियम के अगर एटम की बात करें तो उसका 23,000 टाइम जो है वो लेस है उसके अपने फैक्टर से टू अबाउट 1,45,000 जो है वो हाइड्रोजन का। अगर देखिए दिस साइज आर मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम इट्सेल्फ।
इतने फैक्टर से कम है उसका साइज, ठीक है, अगर होल का देखा जाए एटम के साइज का। ऑल्दो इट इज ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम, ये एक बहुत छोटा सा स्मॉल पार्ट होता है, साइज होता है उसका, डायमीटर उस एटम का। द न्यूक्लियस हैज मोस्ट ऑफ द मास, लेकिन न्यूक्लियस का मास इससे ज्यादा होता है एटम के मास, सॉरी न्यूक्लियस हैज द मोस्ट ऑफ द मास, मतलब उसमें मास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 1.6 फेमटोमीटर से लेके उसका जो साइज है वो 15 फेमटोमीटर तक जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये इन द नेचर जो है वो पाई जाने वाली एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। फंडामेंटल फोर्सेस पाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, आल्सो नोन एज न्यूक्लियर इंट्रैक्शंस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर न्यूक्लॉन्स। अब न्यूक्लॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, हमें पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, उनको हम कहते हैं न्यूक्लॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई एक न्यूक्लियस है, इसके इनसाइड जो होंगे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब किसी भी न्यूक्लियस में काफ़ी सारे जो है वो प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अब वो उनको कोई एक फोर्स जो है वो कंबाइन किए रखती है, जिसकी वजह से जो है वो स्टेबल होता है न्यूक्लियस। अगर वो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, तो रेडिएशन जो है वो इमिट करेगा, ठीक है। अब वो स्टेबल किस वजह से होता है, उनमें एक अट्रैक्शन की फोर्स होती है, इंट्रैक्शन की, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसी की वजह से जो है वो स्टेबल रहता है। अब तो इसका इंट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, इस वजह से अब वो प्रोटॉन्स के दरमियान में भी हो सकता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के दरमियान में भी हो सकता है, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के दरमियान में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारे जो पार्टिकल्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स, तो इनके दरमियान में जो इंट्रैक्शन की फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। अब उसको हम समझते हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज के, कि किस टाइप की ये फोर्सेज होती हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है, ठीक है, इसी फोर्स की वजह से जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टेबल रहता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके फीचर्स में फर्स्ट फीचर देखें, न्यूक्लियर फोर्सेज आर प्राइमरली अट्रैक्टिव, कि न्यूक्लियर फोर्सेज जो हैं वो प्राइमरी अट्रैक्टिव होती हैं। अट्रैक्टिव कैसे होती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान में फोर्स हो दिया, अगर इस तरह अट्रैक्टिव फोर्स ना हो तो फिर ये रिपल्सिव होगी, क्योंकि सेम चार्जेस वाले हैं, तो ये प्राइमरी अट्रैक्टिव होती है, कि न्यूक्लियर फोर्स जो स्ट्रॉन्ग होती है जो इसको बांधे रखती है। अगर ये रिपल्सिव फोर्स हो जाए तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं अट्रैक्टिव। सेकेंड है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन इलेक्ट्रिक, यानी कि इन फोर्सेज जो होती हैं नॉन इलेक्ट्रिक, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस की वजह से नहीं होती, ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर नहीं होते, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रिक होते, इलेक्ट्रिक नेचर नहीं होते, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक नेचर होता तो ड्यू टू कूलम्स लॉ ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, इसलिए हम इसको नॉन इलेक्ट्रिक कहते हैं। थर्ड है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन ग्रेविटेशनल, यानी कि ग्रेविटी के फोर्स यहाँ पर नहीं होती। न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं प्रोटॉन, जैसे कि प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है वो वेरी वीक होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन ग्रेविटेशनल फोर्सेज। फोर्थ जो इसका पॉइंट है वो है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, कि ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब इसका जो मतलब है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इसी वजह से ये जो स्मॉल एटम्स का भी स्मॉल पार्ट, उसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, और उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ये स्टेबल जो है वो होल्ड किए रखे हुए हैं, उनको आपस में जोड़े रखते हैं, तो इसलिए ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट नंबर 5 है, कि न्यूक्लियर फोर्सेज आर एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्सेज। शॉर्ट रेंज फोर्सेज का मतलब कि ये अपने नेबर ही, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान ये अपने ही नेबर्स पे जो है वो फोर्सेज जो है वो एक्ट करते हैं, इसलिए शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं, ठीक है, कि जो उसके करीब में होगा न्यूक्लियस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन उसी पे ये फोर्स लगाएगा उसने, इसलिए
इनको हम शॉर्ट रेंज फोर्सेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, कि जो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल कि इनका चार्ज से रिलेशन नहीं होता, यानी कि चार्ज इंडिपेंडेंट यानी कि इनका अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि प्रोटॉन प्रोटॉन्स के दरमियान में जो फोर्सेज होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के दरमियान में, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स के दरमियान में, लेकिन ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है। अगर हम फोर्सेस कैलकुलेट कर लें प्रोटॉन प्रोटॉन्स के दरमियान में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आएगा, यानी कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेवन, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास स्पिन होती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्टार्ट में भी बताया है कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अपने ही एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेज जो न्यूक्लियस में इनसाइड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन होती है, और अगर स्पिन जो है वो पैरेलल होगी न्यूक्लियर फोर्सेज की तो वो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी, स्पिन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर एंटी पैरेलल होगा तो स्पिन वहाँ पे कम होगी, इसलिए न्यूक्लियर फोर्सेज जो हैं वो स्पिन पर डिपेंड करती हैं। लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्सेज हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, यानी कि इनके पास प्रॉपर्टी होती है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है कि जो इनके क्लोज जो न्यूक्लियस होते हैं उन पर ये फोर्स लगाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज फीचर्स थे न्यूक्लियर फोर्सेज के, तो ये उनकी रीजंस हैं। आई होप कि जो आज का लेक्चर है जिसमें हमने डिफरेंट टर्म्स जो है वो स्टडी की हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग इजीली होगी होगी। तो लास्ट में स्टूडेंट्स ही आपके पास है कुछ रेफरेंस बुक्स, इनसे भी आप इन टॉपिक्स को देख लें फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।